साइकोलॉजी के अनुसार आप जिस तरह का संगीत सुनते हैं उसी हिसाब से आपका व्यक्तित्व भी बनने लगता है। इसलिए जब भी सुने अच्छा सुने। क्या आपको पता है कि हमें सिर्फ वही गाना सुनना अच्छा लगता है जिससे हम भावनात्मक रूप से जुड़ पाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार खुद पर पैसा खर्च करने से ज्यादा दूसरों पर पैसा खर्च करने में आनंद मिलता है। क्या आपको भी मिलता है तो कमेंट में बताइए। यदि आप सकारात्मक सोच वाले आदमी के साथ अपना समय बिताते हैं धीरे धीरे आप पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए कभी भी सकारात्मक सोच वाले इंसान को ही अपना दोस्त बनाए। अगर आप केवल बुरा सोचते हैं तो सावधान हो जाइए, आज से ऐसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि बुरा सोचने मात्र से ही हमारे साथ बुरा होना शुरू हो जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप घर से बाहर ये सोचकर निकलते हैं कि काश आज कुछ बुरा ना हो तो आपके साथ जरूर कुछ ना कुछ घटित हो जाएगा। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप खुद को हमेशा गरीब कहते रहते हैं तो आपके अमीर बनने की संभावनाएं काफी कम हो जाता है। इसलिए आज से ही खुद को गरीब कहना बंद कीजिए। अक्सर हमें वही याद ज्यादा तकलीफ देती है जिन यादों को हम अपने दिल और दिमाग दोनों से जल्दी भूलना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि जब हमारे पास अधिक समय रहता है तो अक्सर हमारे दिमाग को कोई समय की कमी महसूस होने लगती है। हाल ही में एक शोध के अनुसार पाया गया कि जब आप खुश रहते हैं तो आपको नींद की आवश्यकता कम पड़ती है और जब आप दुखी होते हैं तो वही नींद की आवश्यकता आपको ज्यादा पड़ती है। इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। साइकोलॉजी के अनुसार अक्सर महिलाएं उन पुरुषों की तरफ अधिक आकर्षित होती हैं जिनके पास लोगों को हंसाने का गुण मौजूद। अगर आप अधिक गुस्सा आता है तो गुस्सा आने के तुरंत बाद आईने में ध्यान से अपना चेहरा देखें, आपका गुस्सा कुछ ही मिनटों में उतर जाएगा। ट्राई करके